Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we start our lecture of maths from unit 3, factors and multiples. Book page 38, exercise 3A. आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. बुक पेज आपका 38 है एंड एक्सरसाइज 3A हम स्टार्ट करने लगे. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे पास ब्लैंक्स होंगी, उसको फिल करनी है. आपकी बुक पे ये स्टेटमेंट गिवन होगी, जस्ट आपने इसको फिल करना होगा. ये रफ वर्क मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है. जब मैं साथ साथ सॉल्व करूंगी आपको बता दी जाऊंगी. पार्ट वन, 135 इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन है. ओके, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्लैंक थी, प्लस 3. अब हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है. आप देखिए यहाँ पे उन्होंने इक्वल का साइन डाला हुआ है, आपको ब्लैंक दिया है. ट्रू फॉल्स नहीं है. इट मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें और देन उसमें 3 नंबर्स प्लस करें तो आपके पास आंसर 135 ही आए. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास देखें, जब आप इसको 12 को आप सिंपली चेक करें, जब आप 10 से, इतना तो आपको टेबल भी आपको मल्टीपल्स आते हैं 12 के, 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 10 ऐड हो जाएगा. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 20 ऐड हो जाएंगे. इट मीन्स 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120. हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस 135 से 3 नंबर आप बैक चले जाएं. मीन्स हमें 132 चाहिए क्योंकि 3 हमें प्लस में दिया हुआ है. ठीक है, 12 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है. 12 को आप 11 से अगर मल्टीप्लाई करें, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन की है, 2 1s are 2 1 1s are 1. मल्टीप्लीकेशन का साइन फर्स्ट डिजिट के नीचे, 2 1s are 2 1 1s are 1. 2 एज इट इज, 2 plus 1 3 and 1 as it is, आंसर इज 132. अब यहाँ पे 132 है हमारे पास, 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 132 में जब हम प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 135. सो ये हमारे पास ब्लैंक में आएगा 11. पार्ट टू इज 487 इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 13, ये ब्लैंक थी, प्लस ये भी ब्लैंक है. ओके, 487, 37 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, सिंपली इसके साथ एक जीरो ऐड कर दें, 370. ओके, 10 तक आप इसको ये कर सकते हैं. 37 को 10 से मल्टीप्लाई करें आएगा 370. नेक्स्ट मैंने इसको ये 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया है मेरे पास 407. ओके, आंसर इज 407. तो जब मैंने इसको 407 और 487 में डिफरेंस है, आप इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड 37 को ये मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 444. आप इस मल्टीप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं. 37 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 यहाँ पे आएगा, 481. ठीक है, 481. अब 481 और 487 में इट्स अ स्मॉल डिफरेंस, जस्ट 6 नंबर का डिफरेंस है इसमें. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको मज़ीद 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट मीन्स इसमें इसमें 37 मज़ीद ऐड हो जाएंगे और वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा. सो हम इसको 13 तक रहने देंगे. जब हम 37 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 487, इस ब्लैंक में 6 प्लस करेंगे. अब 487 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 13, 481 प्लस 6 इज इक्वल टू 437, आंसर इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट 3, 219 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, 219. 23 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा,
थर्टी, इट मीन्स वो ज़्यादा हो जाएगा 219 से, तो हम उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई किया आ गया हमारे पास 207। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, सो हम 9 को ही रहने देते हैं। 223 को 9 से मल्टीप्लाई किया 207, 207 में मज़ीद हम 12 नंबर्स ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 219। 219 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12, ये इक्वल हो जाएंगे इनके आंसर। ओके, क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी बुक पे खुद सॉल्व करना होगा। ट्रू फॉल्स से आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने उनको खुद से चेक करना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में होंगी या फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, बहुत इजी है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मैं सॉल्व करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, हमने हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने उन नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने होंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, उनको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने लिखे हैं, सिंपली मैंने 17 का टेबल लिख लिया है 5 तक। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, इट्स वेरी इजी। 17 मल्टीप्लाई 1, 17 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 3, जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई 5 तक आपने टेबल लिखना है सिंपल। ओके, ये मैंने इसका 17 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 17, 17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 34, 17 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 51, 17 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 68, 17 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 85। अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता, मीन्स 17 के मल्टीपल्स नहीं आते, तो आप उसको साथ साथ मल्टीपल रफ वर्क में मल्टीप्लाई साथ साथ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास इसी का पार्ट 2, 23। 23 के मल्टीपल्स आपने खुद लिखने हैं, मीन्स आपने 23 का टेबल लिखना होगा कहाँ तक, 5 तक। नेक्स्ट 47, ठीक है, 47 के मल्टीपल्स भी मैंने लिखे हैं। देखें 47 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 47, 47 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 94, 47 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 141, 47 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 188, 47 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 235। आप भी इसी तरह 23 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 23 का 5 तक टेबल लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। जैसे ये मैंने दो पार्ट सॉल्व किए हैं, ऐसे ही आपने सेम एज पार्ट 2 23 के मल्टीपल्स लिखने होंगे, ये सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। अब 7 के मल्टीपल्स क्या, मीन्स 7 का टेबल हमने चेक करना है और उसके मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 40, 10 और 40 के दरमियान में जो आते हैं, ठीक है। 10 के बाद, 10 से पहले जस्ट 7 वन और 7 आता है। नेक्स्ट 7 टू 14, 7 थ्री 21, 7 फोर 28, 7 फाइव 35 एंड 7 सिक्स 42 हो जाएगा, जो कि 40 से अबव हो जाएगा। हमने 10 एंड 40 के बिटवीन जो मल्टीपल्स आते हैं 7 के, जस्ट वो लिखने हैं। सो हमारे पास आंसर आएगा 14, 21, 28, 35, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5 के मल्टीपल्स आएंगे 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, हमने 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो के होंगे, ये क्वेश्चन 4 था, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5। 11 के मल्टीपल्स मीन्स 50 से लेस जो भी हमारे पास नंबर आते हैं वो हमने 11 को मल्टीप्लाई करना है। 11 वन ज़र 11, 11 टू ज़र 22, 11 थ्री ज़र 33, 11 फोर ज़र 44, 11 फाइव ज़र 55। 55 इज़ ग्रेटर देन 50, हमने जस्ट 50 तक 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सो ये हमने 11 का 1 टू 4 टेबल लिखा है, 1 टू 4 उसके मल्टीपल्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 इज लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। हमने 50 तक वो नंबर्स लिखने हैं, 50 से लेस, ठीक है, 50 से लेस हमने वो नंबर लिखने हैं जो 2 और 3 के दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स हों। ओके, जस्ट 2 के मल्टीपल्स नहीं, एक ऐसा नंबर आपने ये नहीं करना कि 2 तक 2 के मल्टीपल्स, 50 तक 2 के मल्टीपल्स अलग और 3 के अलग। हमने वो नंबर फाइंड करने होंगे जो 2 के भी और 3 के भी, मतलब वो नंबर जिससे 2 भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी। आंसर इज, देखें
फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6, 2 3 6, 3 2 6, दोनों नंबर इससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर का मल्टीपल है 6, दोनों नंबर्स के ये 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, ओके। 12, 3 4 12, 2 6 12, 2 b12 से डिवाइड, 2 b12 को कम्प्लीट डिवाइड कर रहा है और 6 b12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड। 18, 2 9 18, 3 6 18, 2 b18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और 3 b18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 12 24 एंड 3 8 24, 2 b कम्प्लीटली 24 को डिवाइड कर रहा है और 3 b। 2 15 30, 3 10 30, 30 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 और 3 दोनों से। 36, 2 12 36, 2 12 36, 2 18 36 एंड 3 12 36, दोनों इसको कम्प्लीटली डिवाइड करें। 42, इसके मल्टीपल्स भी आपने 2 और 3 दोनों को ये कम्प्लीटली डिवाइड। नेक्स्ट आपने 42 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 इसमें भी आपको उसके फैक्टर मिलेंगे, 42 एक ऐसा मल्टीपल है जो 2 और 3 दोनों इसके होंगे, ठीक है, फैक्टर्स होंगे। 2 को 21 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें 42, इसी तरह आपने 3 का भी ढूंढना है एंड नेक्स्ट वन 48 का भी, आंसर आपका यही आएगा क्योंकि नेक्स्ट वन जो होंगे वो 50 से ग्रेटर हो जाएंगे, ओके। अगर मैं 50 को रखती भी हूँ तो 2 50 से तो हो जाएगा 50 तक, बट हमने लेस देन 50 करना है, ओके। सो आर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 3A इज कम्प्लीटेड, ओके। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 3 4 5 6 सॉल्व किए हैं, आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये अपनी नोटबुक पे करने हैं एंड 1 बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ट्रू एंड फॉल्स है वो भी आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। इट इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर, ओके, अल्लाह हाफिज़।